हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कोरोना काल में सिनेमाघरों की तालाबंदी और ओटीटी प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता के शोर शराबे के बीच आज अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सीताबो आज ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो गई है। फिल्म का डायरेक्शन सुजीत सरकार ने किया है और अगर आप भी इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले जान लें कि ये फिल्म आपके देखने के लायक है या नहीं। शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म की कहानी लखनऊ स्थित फातिमा महल पर आधारित है जो कि लालची मकान मालिक मिर्जा यानी कि अमिताभ बच्चन और उसके किराएदार बांके रस्तोगी यानी कि आयुष्मान खुराना के इर्द गिर्द घूमती है। लखनऊ में 100 साल पुरानी हवेली फातिमा महल है जिसमें मिर्जा यानी कि अमिताभ बच्चन अपनी बेगम और नौकरों के साथ रहते हैं। ये हवेली खराब हालत में है जिसमें कई परिवार रहते हैं जो कि मिर्जा को 30 से 70 रुपए किराए देते हैं। इन्हीं किराएदारों में से एक है बांके रस्तोगी यानी कि आयुष्मान खुराना, जिसका हमेशा मिर्जा से झगड़ा होता है और दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं। बांके और उसका परिवार समय से घर का किराया नहीं देता और मिर्जा को परेशान करता है, तो वहीं दूसरी तरफ मिर्जा उसे घर से निकालने के लिए हर कोशिश करता रहता है। वहीं बांके का कहना है कि उसका परिवार पिछले 7 दशक से यहाँ रह रहा है और ये हवेली मिर्जा की बेगम फातिमा के नाम है। तो फिल्म में मिर्जा और बांके के बीच हवेली हथियाने की होड़ लग जाती है और ऐसे में आखिर में ये हवेली किसे मिलती है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो आपको बता दें कि क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं। तो क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार है। एक पुरानी हवेली, एक दम तोड़ता मालिक, एक कंगाल किराएदार, फिर भी जिंदगी में उतनी ही नोकझोंक। लेकिन फिर भी फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जाती है फिल्म की लेखिका जूही चतुर्वेदी पर। हालांकि फिल्म में जूही चतुर्वेदी ने जो किरदार लिखे हैं वो अपने आप में बहुत मजेदार है। फिल्म का हर किरदार खुद में खास है और जब जब पर्दे पर आता है अपना काम बखूबी निभाता है। हालांकि बाद में फिल्म थोड़ी सी खींची हुई लगती है जिसे थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन मनोरंजन के लिए फिल्म परफेक्ट है। फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही मज़ेदार है और कई सीन्स ऐसे आ जाते हैं कि आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की ये जोड़ी हंसाने में काफ़ी कामयाब है। वहीं सुजीत का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। तो बात करें स्टार्स की एक्टिंग की तो फिल्म में सुजीत सरकार ने फिल्म के हर सीन को बहुत अच्छी तरह से फिल्माया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बेहतरीन काम किया है और अपने रोल को बखूबी निभाया है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें सुपरस्टार क्यों कहा जाता है। फिल्म में आयुष्मान खुराना भी अपनी दमदार एक्टिंग और किरदार से दिल जीतने में कामयाब रहे। तो वहीं सपोर्टिंग कास्ट में विजय राज और विजेंद्र काला ने भी अपना रोल बखूबी निभाया। फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है। तो ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर आप कॉमेडी फिल्म देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स दिए गए हैं।